उत्तराखंड के हल्द्वानी की जिस जगह पर हिंसा हुई वहां अब भी तनाव है। लोग सहमे हुए हैं, हर तरफ दहशत का माहौल है। यहां टेंशन देखी और महसूस की जा सकती है। कुल मिलाकर अभी यहां के हालात नॉर्मल नहीं हुए हैं। जिस हिंसा ने 6 लोगों की जिंदगियां ले ली हो, जहां कई के खून बहे हों, जहां लोगों ने अपनों को अचानक खो दिया, वहां के हालात इतनी जल्दी सामान्य हो भी नहीं सकते। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन की तरफ से मदरसे गिराए जाने के बाद भड़की हिंसा से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। दावा शहर के पिछले 20 सालों की जनसंख्या से जुड़े हैं। सोशल मीडिया यूजर्स हिंसा के विजुअल्स को शेयर करते हुए इसे शहर में बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या से जोड़ रहे हैं। रिपोर्ट लिखे जाने तक ट्विटर यूजर के इस पोस्ट को 1,00,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। पोस्ट शेयर करने वालों का दावा है कि 20 साल पहले हल्द्वानी में 1,000 से कम मुस्लिम समुदाय के लोग थे, आज उनकी आबादी 1,00,000 से ज्यादा हो गई है। खैर, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़े बड़े शब्दों में हेडलाइन लिखा गया, मुस्लिम संपत्तियों के विध्वंस से भारत में घातक हिंसा शुरू हुई है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने 10 वर्षों में मोदी ने अपने कई चुनावी वादों को पूरा किया है, जैसे कि जहां एक मस्जिद थी वहां एक विशाल हिंदू मंदिर का निर्माण करना और कश्मीर क्षेत्र से उसकी अर्ध स्वायत्त स्थिति को वापस ले लेना। एक पुलिसकर्मी को भीड़ द्वारा घेरने और धक्का मुक्की करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है कि ये क्लिप उत्तराखंड के हल्द्वानी का है और पुलिसकर्मी SHO आनंद है। ये वीडियो हाल ही में हल्द्वानी में बनभूलपुरा में एक मस्जिद और मदरसे में तोड़फोड़ के बाद हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में शेयर किया गया। 6 लोगों की जान चली गई और कम से कम 60 घायल हुए। करीब 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक। हिंसा से संबंधित एक ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए प्रीमियम सब्सक्राइबर ट्विटर उपयोगकर्ता आलोक ने वायरल वीडियो को कैप्शन के साथ साझा किया। SHO आनंद सिंह ठाकुर, मैं अकेला आया हूँ, मैं खड़ा हूँ अकेला, मुझ पर हाथ रखो, #हल्द्वानी। ट्वीट को 78,000 से ज्यादा बार देखा गया और 200 से ज्यादा बार रीट्वीट भी किया गया। एक अन्य ट्विटर उपयोगकर्ता आदित्य राज ने वायरल क्लिप समान दावे के साथ वही वीडियो शेयर किया। यूजर ने कैप्शन में ये भी बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ देखते ही गोली मारने के आदेश की घोषणा की गई थी। ऑल्ट न्यूज ने इस फैक्ट चेक में देखा कि वायरल क्लिप के शुरुआती फ्रेम में एक टेक्स्ट था जिसमें कहा गया, मुस्लिम भीड़ ने मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस स्टेशन को घेर लिया। तो आपको पता चलता है कि कैसे कई तरह के मिस इन्फॉर्मेशन इसी दौरान सर्कुलेट हुए। विध्वंस केवल उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है। एक हालिया रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उन 5 राज्यों में अप्रैल और जून 2022 के बीच मुस्लिम घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों को निशाना बनाने को अन्यायपूर्ण बताया, जहां राज्य सरकारों में भी सत्तारूढ़ पार्टी है। रिपोर्ट में अधिकारियों से मुस्लिम संपत्तियों के विध्वंस को रोकने का आग्रह भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ मुसलमानों द्वारा धार्मिक हिंसा या विरोध प्रदर्शन के बाद सजा के रूप में ऐसा किया जा रहा है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।